हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल आज का टॉपिक है पार्ट ट्वेंटी टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी सेकेंड बाईसवा पार्ट भारत के आईन का आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर पसंद आई तो इसको शेयर कर लेना लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डायरेक्टली चलते हैं पार्ट ट्वेंटी सेकंड की ओर पार्ट ट्वेंटी सेकेंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स इट कंटेन्सिकल थ्री नाइन्टी थ्री टू थ्री नाइन्टी फाइव पहला आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल थ्री नाइनटी थ्री द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आइन को तीन सौ त्रियानवे के तहत आइन भारत का आन माना गया Next 394 article. This article provides for the commencement of the constitution. While some provisions came into force on November 26, 1949, the rest of the constitution came into effect on January 26, 1950. This article came chabis number uniso onachasko kuch provisions effect mein लेकिन रेस्ट जो आया था पूरी तरह से फुल इफेक्ट छब्बीस नवंबर 1950 फिफ्टी को नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल थ्री नाइनटी फोर दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द दिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हिंदी वर्जन में पहली बार आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले इंग्लिश में ही था जो ओरिजिनल बनाया गया था आर्टिकल 395

This means that the Hindi version of the Constitution is considered legally valid and can be used for interpretation and reference in legal and government matters alongside the original English version. ये authority to text है, इसका मतलब ये है कि जो Hindi version है, English version के साथ साथ जो Hindi में जो बनाई गई थी Constitution, ये भी valid है। इसे government matters में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, court में कर सकते हैं। Next है What does Article 393 state? The Constitution may be called the Constitution of India. Bharat ka se bola gaya 393 article. When did the majority of the Indian Constitution came into effect? 26 January 1950 course. full effect I थी. majority What is covered under Article 394? Commencement of the आर्टिकल थ्री चौरानवे के तहत थ्री हंड्रेड नाइनटी फोर के मुताबिक आता है इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन छब्बीस जनवरी नाइनटीन पचास को क्यों अहमियत दी जाती है इट इज द डेट ऑन विच द कॉन्सिट्यूशन कैम इन फुल इफेक्ट फुल इफेक्ट में आई थी आइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द दथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी अथॉरिटेटिव एक्ट है आर्टिकल 394 ए में मतलब हिंदी वर्जन जो है भारत के आइन का वो लीगली वेल्ड है वैन वाज आर्टिकल थ्री नाइन्टी फोर एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कब लाया गया था ये आर्टिकल थ्री नाइन्टी फोर एय द फोटी सेकेंड एमंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवनटी सिक्स वैन वाज आर्टिकल थ्री नाइन्टी फोर एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई द फोर्टी सेकेंड एमंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवनटी सिक्स औरजनल ये नहीं था इसे लाया गया था औरिजनल वर्जन जो था वो इंग्लिश का ही था तो उसके मुताबिक जो नाइन थ्री नाइन्टी फोर ए वो लाया गया था फिर इंग्लिश वर्जन के बजाय के साथ साथ हिंदी वर्ज़न भी लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द व्हाट डज आर्टिकल थ्री नाइन्टी फोर ए इंश्योर द पब्लिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी इसने थ्री नाइन्टी फोर ए ने यह पब्लिकेशन पुण, ऑफ हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में किया नेक्स्ट है व्हाट डज नाइन्टी फाइव डील विद रिपील्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 395 के मुताबिक ये दो एक्ट एंड किए गए थे रिपील किए गए थे Next day, what is the significance of Article 395 in Indian history? It ends the statutory basis of British rule in India. Joe British rule after independence. When did some provisions of the constitution came into force according to Article 394? November ट्वेंटी सिक्स इसका आंसर है कुछ प्रोविजंस पहले ही लाए गए थे फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को लाया गया था नेक्स्ट है व्हाट द टर्म अथॉरिटेटिव टेक्स्ट मीन इन आर्टिकल 394 ए द लीगली वेल्ड एंड ऑफिशियली सेंक्शनड वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो हिंदी को बोला गया था ये था आज का वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू हैव ए नाइस डे डियर